नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ खास खबरों पर। कोरोना संकट के बीच जिम्मेदारों की लापरवाही, बयान करता उज्जैन जिले का तराना। आपको बता दें कि तराना तहसील के ग्राम कायथा में लॉकडाउन की शुरुआत से ही कई जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही सामने आती रही थी, लेकिन वह बात सुर्खियों में नहीं बन पाई। कोरोना महामारी के दौर में कई प्रशासनिक अधिकारी लॉकडाउन का मजाक बना रहे हैं, वो खुद ही मजाक बना रहे हैं और वो इस बीमारी को भी गंभीरता से नहीं ले रहे। कोरोना योद्धाओं की मेहनत पर भी पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। कोरोना की स्थिति को भयानक बनाने में यह गैर जिम्मेदार अफसर अपनी पूरी भूमिका निभा रहे हैं। लॉकडाउन लगातार चल रहा है, छोट-छोट कुछ शिकायतें मिली थी, तो उसी संदर्भ में जो है कुछ सख्ती और अभी यहाँ बढ़ाई गई है। ये शिकायत आ रही थी कि आवश्यक वस्तु के अलावा भी छोट-छोट लोग जो है बाहर निकल रहे हैं, तो उसको को जो है भी कड़ाई से पालन करके उनको भी समझाइश करी गई है। आगे भी जो है हम सख्त, ये कुछ चिन्हित किया गया है हमारे द्वारा कि मेडिकल लाइन के और बैंक लाइन के लोग हैं जो उज्जैन से अप डाउन कर रहे हैं उनकी लिस्ट बनाई गई है। आज मैं एक आदेश जारी कर रहा हूं, उनको स्पष्ट हिदायत दी जा रही है कि यदि यहां निवास करेंगे तो अपना संबंधित संस्थान वो चला पाएंगे, अनावश्यक रूप से जो है अप डाउन नहीं होगा। इस चीज पे आज से ही प्रतिबंध लगाया जाएगा, ना निकले, घरों के अंदर रहे, इसके लिए हम लगातार मेहनत करेंगे और इसको पूरी तरह से। कुछ लोग अभी भी यहाँ से उज्जैन से दिल्ली अप डाउन करते हैं, विगत लॉकडाउन एक महीने से कंटिन्यू यहाँ पे अप डाउन कर रहे हैं। सर नहीं, अभी हमने उनको बता दिया कि ऐसे कर्मचारियों की लिस्ट बनाए और उनको या थाने में टेंट लगाए या उनके अधिकारियों को बता दे कि अप डाउन कर रहे हैं उनके विरुद्ध। दिल्ली से एम्बुलेंस के जरिए गुपचुप आ रहे लोगों को पुलिस ने सूचना मिलने के बाद पकड़कर जांच के लिए अस्पताल भेज दिया। आपको बता दें कि हरियाणा के गुड़गांव से मरीजों को लेकर एक एम्बुलेंस सुपौल के छखराही अचानक पहुंची है। एम्बुलेंस के पहुंचने पर वहां मौजूद जागरूक लोगों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी। पुलिस प्रशासन ने भी सूचना मिलते ही तुरंत एक्शन में आए और एम्बुलेंस सहित सभी लोगों को सदर हॉस्पिटल जांच के लिए भेज दिया है। सदर हॉस्पिटल के SEMO ने बताया कि सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्यवाही की जाएगी। प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी लोग बचते बचाते अपनी मंजिल तक आखिरकार पहुंच ही रहे हैं और अन्य व्यक्तियों की जान भी जोखिम में डाल रहे हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि जब गुड़गांव बॉर्डर सील है, उसके बाद ये लोग आखिर किस तरह यहां तक पहुंच सके। कहीं ना कहीं प्रशासन की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। एम्बुलेंस ही लेके आ रहा था, ये पेशेंट को लेके आने का है, तुम सवारी लेके आ रहे थे? जी सर। ये पेशेंट को लेके आने का है तो तुम सवारी लेके कैसे आ गए? हाँ, पर एक पेशेंट है, चार सवारी, वो अटेंडेंट है, चार चार अटेंडेंट है सर। फिर इधर से तुम एक पेशेंट का 4000, एक आदमी का बात किया 4000 में ले जाने का। हाँ सर, सुपौल से दिल्ली ले जाने का। पड़ोसी है मेरा, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली से। किसका गाड़ी है ये? सर, मालिक का। क्या नाम है मालिक का? कहाँ आए हो तुम अभी? सुपौल। अभी कहाँ पर हो तुम? चेकअप में आए हो? जानकारी मिल पाई है जो भी कहीं से आएंगे उनको हॉस्पिटल में यहाँ आए क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उसको जांच के बाद ही कुछ कहा जाए क्या है उसको। कहाँ से आ रहे थे ये लोग, ये जानकारी हुई है सर? पूरी नहीं कर सकते हैं कि ऐसे पूरा दिल्ली से आ रहा है। कन्नौज में दो पक्षों पर जमकर विवाद होने की बात सामने आ रही है। बता दें कि दोनों पक्षों में शुरू हुए विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। पूरा मामला कन्नौज के विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र खरोली गांव का बताया जा रहा है, जहां पूरे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां पर दो पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर लाठी और डंडे बरसाने लगे। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। कोरोना संकट के बीच इंदौर की स्थिति काफी नाजुक बनी हुई है, इसके बाद भी यहां लोग समझने को तैयार ही नहीं है। लॉकडाउन में जारी आदेशों और नियमों की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही है। ताजा मामला भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अश्विनी शुक्ल के घर के बाहर देखने को मिला, जहां पर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थी। तभी अचानक वहां एक पत्रकार महोदय पहुंच गए। इस दौरान पत्रकार ने वहां मौजूद लोगों से लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए
कहा और उन्होंने सवाल भी पूछना चाहा। पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया गया। जैसे तैसे पत्रकार मौके से अपनी जान बचाकर भाग निकले। अब यहां सवाल ये खड़ा होता है कि खुद जनप्रतिनिधि ही अगर इस तरह की हरकत करते पाए जाएंगे तो आम इंसानों से क्या उम्मीद रखी जाए। शासन प्रशासन और लोगों की मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। इंदौर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह घटना बेहद निंदनीय और शर्मनाक है। ये पार्षद जी हैं, वार्ड क्रमांक 16 के। क्यों भाई लोग क्यों भीड़ लगा रखी है यहाँ? क्यों भीड़ लगा रखी है आप लोगों ने यहाँ? राशन के लिए? तो ऐसी भीड़ मत लगाओ यहाँ। क्यों भीड़ लगा रखी है? भीड़ नहीं लगाएंगे तो पार्षद भैया सुनेंगे क्या, ये बताओ। तो ऐसी भीड़ लगाओगे तो बीमारी नहीं फैलेगी आप लोगों को? समझा रही हूँ लोगों को, हैं? अरे रुक जाओ, प्रेस से रुक जाओ, प्रेस से है ना, हाथ नहीं लगाना, दो मिनट रुक जाओ, हाथ नहीं लगाना। बता दें कि देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसी बीच देश में मौतों का आंकड़ा रोज बढ़ रहा है। इसी बीच दो दिन में दो मौत होने पर देश को बड़ा झटका लगा है। बता दें इंडियन बॉलीवुड ने दो दिन में दो नायाब हीरे खोए हैं। पहले इरफान खान की मौत हुई, उसके बाद ऋषि कपूर के रूप में बॉलीवुड ने लीजेंड सितारा खो दिया। इन दोनों घटनाओं पर मशहूर कॉमेडियन खुद को संभाल नहीं पाए। सुनील पाल श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुनील पाल का कहना था कि बॉलीवुड को शायद किसी की नजर लग गई है। इरफान भाई, मुझे याद है, आज भी याद है, जब आपने लाफ्टर चैलेंज में मेरा परफॉर्मेंस देखा था और मैंने जब आपकी आवाज़ निकाली थी तो आपने मुझे फ़ोन करके कहा था कि यार तूने तो मुझे स्टार बना दिया। इरफान, मैंने स्टार नहीं बनाया आपको, आपकी आवाज़ निकाल के मैं अपनी रोजी रोटी से लगा हूँ। इरफान, इतने बेहतरीन एक्टर, इतने बेहतरीन इंसान। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए, लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा। ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर, अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे। यकीन नहीं हो रहा अभी भी कि इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है। ऋषि कपूर साहब का सदमा, बॉलीवुड को किसी की नज़र लगे, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है। एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे हम इंसान हैं, फैन हैं उनके। ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तो सबके आइडल हैं वो। बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरे नाम जोकर में, बच्चों के चहेते हो गए थे बॉबी में, युवाओं के। ऋषि साहब, आपका जाना बॉलीवुड के लिए, हम सब के लिए, हम सब फैंस के लिए बहुत दुखद है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज। बाकी आप घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से अभी जंग जारी है।